नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण, नहीं बनी रोड तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायत नरेनी के पोषक ग्राम छिरपानी आज भी विकास से कोसों दूर है। जहां आज देश डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, वहीं इस ग्राम में न ही सड़कें हैं और न तो नाली। बिजली पानी के लिए ग्रामीण परेशान है। आखिर ऐसे में कैसे डिजिटल इंडिया बन पाएगा, क्योंकि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि केवल अपने भाषण में पूरा विकास कर रहे हैं, पर जमी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज आजादी के 70 सालों के बाद भी लोगों की समस्याएं जस से तस बनी हुई है। जहां जिले के ग्रामीण बैगा आदिवासी आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ज्ञात हो कि आज भी ग्रामों में ग्रामीणों के लिए संचालित योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है और कागजों में जिले से ग्रामों तक पूर्ण विकास हो चुका है। अब सरकार और जनप्रतिनिधियों केवल कागजों में ही विकास करने में लगे हुए हैं और कागज पेट भरकर जिले और ग्रामों में चार चांद लगा चुके हैं, पर ग्रामीणों के हालात ग्राम में जाकर ही पता चलते हैं कि कितना बजट आया और कितना काम हुआ व कितना कमीशन खोरी में गया। पर ये देखने की फुर्सत किसको है, सबको तो अपना अपना हिस्सा अपने पद के हिसाब से चाहिए। बाकी क्या होना है क्या हुआ ये देखने की फुर्सत और समय किसी के पास नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2019-20 में 197 मीटर रोड विधायक निधि से स्वीकृत हुई थी जो बनाई गई है। उसके बाद जो रोड अधूरी पड़ी है, बारिश के दिनों में इस मार्ग से आवागमन खतरे से खाली नहीं। राहगीरों के साथ साथ स्कूली बच्चों बूढ़ों को भी इस रोड पर आने जाने में परेशानियां झेलनी पड़ती है। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द रोड बनाने की मांग की है। ग्राम पंचायत नरेनी के मैट गोविंद मार्को के द्वारा बताया गया कि हम लोगों के द्वारा पंचायत में आवेदन अनेक बार दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक रोड नहीं बनाई गई। जल्द रोड नहीं बनाई गई तो आने वाले चुनाव का हम ग्रामीणों के द्वारा पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आए, लेकिन आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला में इस तरह के ग्रामीणों का जीवन दलदल में तब्दील हो गया, ये आम बात सी हो गई है। आप इस पंचायत में क्या है? तो ये जो रोड है इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, ये रोड कहाँ से कहाँ बननी थी? सीसी रोड, इसमें हमको जानकारी मिला था जो अभी जो जनपद सदस्य है अवधेश तिवारी जी, उन्होंने बताया था कि अभी जो स्वीकृति हुआ है 197 मीटर, 197 मीटर उन्होंने नपवाया, वहाँ तक बनवाया है 197 मीटर। इसके बाद फिर आगे बनने के लिए भी बोले थे, उसके बाद अभी कोई जानकारी भी नहीं मिला है हमको। तो मेन रोड है, वहाँ से इधर 170 घर नहीं, मतलब वो वहाँ से 197 जहाँ तक आता है, 197 समथिंग है मीटर, ये 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास है वहाँ से लगा के केनाल तक, नहर तक की। सर ये हम लोग बहुत वर्षों से, जब से हम लोग ये गांव से बोले तो बहुत कई वर्षों से हम लोग देखते हुए ये रोड बन नहीं पा रहा है। अब ये रोड तो आया है लेकिन पंचायत वाला बना कुछ निर्माण नहीं कर, पर हो गया रोड अधूरा बना के छोड़ दिया। ये रोड मुखमार से गनीराम के घर तक आई थी लेकिन अधूरा छोड़ के छोड़ दिए हैं, अभी अधूरा तक बनी है बस, अधूरा छोड़े है पूरा। आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है सर, और गाड़ी मोटरसाइकिल सभी वाहन पूरा दिक्कत हो रहा है आने जाने में। पंचायत वालों को भी कंप्लेंट किया हम लोग, अभी हड़ताल में है बोल रहे हैं। वो सरपंच तो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है सर, एक बार भी आके देख नहीं पा रहा है कि रोड कैसा है क्या है, कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहा है।